तू आ जा मेरी अखियों में, कित और ना नजर लग जावे। हमसा, तुम हमसा मेरे बच्चे कहां चले गए थे? तुम इधर आइए, यहां खड़ी होइए हन्नान के पास। और आप क्यों जाएंगी? ठीक है, आप कहाँ चले गए थे तुम हमें बगैर बताए? बस मजबूरी थी, जाना पड़ा इसलिए। कौन सी मजबूरी थी बताओ हमें। क्या? अबीर से शादी नहीं करना चाहता था मैं, इसलिए चला गया। और ये तुम्हें ऐन शादी वाले दिन याद आया? चले जाओ यहां से, जाओ। क्या हो गया आपको? इतने लोग बैठे हैं उनके सामने, इतने अरसे के बाद तो हमारा बच्चा घर आया है और आप। और ये सिर्फ आपका घर नहीं है, मेरा भी घर है। अच्छा, इसीलिए तुम इस घर को छोड़कर, इसकी इज्जत को पैरों तले रौंद कर, किसी से कुछ कहे सुने बगैर घर ही छोड़कर चले गए थे। फराज, फराज ये मौका नहीं है ये बात करने का। और ये लड़की कौन है? ये लड़की अमल नाम है इनका। मैं इनसे शादी करने वाला हूं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है? अरे जब सबने अपनी जिंदगी का फैसला अपनी मर्जी से लिया है तो मैंने ले लिया, इसमें इतना बखेड़ा क्यों कर रहे हैं आप लोग? अपने साहबजादे से कहिए कि अगर तमीज से शिरकत करना है तो करें, वरना चले जाइए। सुन लिया आपने? चलिए बेटा, चलिए। तुम्हारे हमजा, तहजीब, तमीज सब कुछ भूल चुके हैं आप। आपको अंदाजा है आप किससे बात कर रहे हैं? कुछ खानदान की इज्जत का ख्याल कर लिया होता। देखिए मैं सब ये बस एक लफ्ज नहीं, अब इस मौजू पर बाद में बात होगी। चाय सबसे पहले। जी एक्सक्यूज मी,
अरे आप तो वो लड़की नहीं जिसकी हन्नान से जबरदस्ती शादी हुई है? वैसे मेरी मानिए, आपको ना पप्पू के साथ वापस चले जाना चाहिए था। आपसे किसी ने एडवाइस मांगी है? नहीं ना। हाय हाय, क्या मिला वैसे हन्नान से शादी करके? आप एक ऐसे शख्स से शादी कर ली आपने बेचारा, जो किसी और के इश्क में डूबा हुआ है, आधा कहीं आधा कहीं आधा आपके पास। फिर भी आपसे बेहतर इंसान। आपसे अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान जिसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। अरे छुपाता भी कैसे है, आधी यूनिवर्सिटी को तो उसके इश्क के किस्सों के बारे में पता है, मुझे दादो तक को तो पता है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? गुड वन। खुश हैं? नहीं। आई न्यू इट, वो आपको खुश रख ही नहीं सकती। बहुत खुश हूं। सॉरी, मैं वो मैं वो क्या, कहाँ चले गए थे? हो रो रही हूँ मैं यहाँ, बस बहुत हो गया। चल लिसन लिसन, थोड़ी देर रुक जाओ ना, सबको मिलके चलते हैं, अब तो ठीक से मिले भी नहीं हैं। अम्मी को भी बुरा लगा, डिनर भी बाकी है अभी, करके चलेंगे। ऐसा कौन है यहाँ जिससे मिलना बाकी रह गया? प्लीज रुक जाओ ना, थोड़ी देर रुक जाओ प्लीज। कहाँ, इसे प्लीज उठाओ। उठाओ, मैं थक गई हूँ, ये पकड़ो इसे, उठाओ इसको। सॉरी प्लीज, सही सर। वो जो सामने वाले टेबल था ना, वहाँ पे दोनों को सारों को ड्रिंक सर्व करने, और यहाँ पे भी देख लीजिएगा, यहाँ पे कोई रहना चाहिए ठीक है, पहले वहाँ पे जाके सर्व कर। तो मेरी ठुकराई हुई लड़की से शादी कर ली तूने? ऐसी भी क्या मजबूरी थी? तेरी छोड़ी हुई लड़की तो निकाह से पहले नहीं भाग गया? अबे एक ही बात, एक बात नहीं हमसा, सारा को भूल गया। वो मेरी जिंदगी में नहीं है। अबीर को पता है इस बारे? हमने अपने रिश्ते की बुनियाद सच पर रखी थी, सब पता है उसे। अब तू ये फजूल बातें क्यों कर रहा है? तुझसे तवक्को थी नहीं मुझे वैसे कि मेरी छोड़ी हुई लड़की से शादी करेगा तो अपनी असल मोहब्बत को भूल जाएगा एक दिन। देख हमसा मेरी बात सुन, आदाब। Thank you.
पूरा दिन घर में बिना दुपट्टे के मंडलाती फिरती हो। तुम बच्चा हो, मैं तुम्हारी इंटेंशन नहीं समझता। आधी रात को मेरे कमरे में ये सो कॉल्ड दुपट्टा लिए खड़ी हो, ये पाकीज़गी की अदाकारी मेरे सामने करना। हमजा मेरा दुपट्टा वापस। अरे ले लेना। हमजा मैं कह रही हूँ मेरा दुपट्टा वापस। यार क्या करोगी वरना? पूरे घर को इकट्ठा कर लो। मैं कह रही हूँ अच्छा नहीं होगा मेरा दुपट्टा वापस। हमजा मैं दादू को बता दूँ, दादू मेरा दुपट्टा नहीं दे रहा। छोटा सुनहरा सपना आंखों का धोखा था, सच न समझूं मैं दुनिया ने मुझे रोका था। वो था नसीबा जिससे भी जोड़ा था वही टूटा था। सब ख्वाहिशें थी साजिशें, खुद ही मुझे लगने लगी। हंसने वाली आंखें अपनी नम, गली गली नगर नगर भटक रही रही नजर। मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम, तू आ जा मेरी मुझे लगा था कि वो अपने किए पर शर्मिंदा होंगे। लेकिन शर्मिंदगी तो दूर, उन्हें तो अपने किए का एहसास तक नहीं। आज भी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी खुशी, अपना दुख, अपनी जिंदगी। किसी और की खुशी, दुख, तकलीफ, एहसास, किसी चीज की परवाह नहीं है उन्हें। मुझे लगा था कि जिंदगी में अगर कभी हम दोबारा मिलेंगे तो वो मुझसे अपने किए की माफी मांगेंगे। लेकिन ये बस मुझे लगा था। कभी जो शख्स अपने आप को गलत ही ना समझता हो, उसने किसी से क्या माफी मांगनी है? आप प्लीज उसकी वजह से अपना मूड ना खराब करें, परेशान मत हो आप। देखिए, आई अंडरस्टैंड कौमसा का उस लड़की के साथ आना बुरा लगे। हनान, आपको ऐसा लग रहा है कि हमजा के साथ किसी और लड़की को देखकर मुझे बुरा लगा है? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं हनान, सोच भी कैसे सकते हैं आप, मतलब हद हो गई है। फिर मेरा ये मतलब नहीं था।
हमजा बेटा घर वापस आ जाओ ना, देखो तुम्हारे बगैर घर कितना सोना सोना और वीरान हो गया है। Are you crazy? सोना और वीरान? I'm really sorry. Seriously, I'm really sorry. By the way, मोबाइल नंबर तो होता है, आप लोग फोन कर सकते हैं। तो इसने बताया ही नहीं ना हमें कि ये कहाँ है, फोन भी बंद था, कैसे बताते भला? राबता करके भी क्या फायदा होगा, जबरदस्ती वापस बुला लेते और क्या। तुम अपनी माँ के बारे में तो सोचते बेटा। मैं आपकी वजह से वापस आया हूँ, वरना इस घर में कौन है मेरा और? बताइए, आप बताइए। देखो बेटा, अगर तुम्हें अबीर पसंद नहीं थी तो हमें बताते, हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती थोड़ी होने देते। दादो सब कर सकती हैं। लेकिन बेटा पहले तो तुम तैयार थे, पर अचानक क्या हुआ? मैं नहीं था तैयार भैया, वो दादो ने रोध होकर जबरदस्ती थोपा था मेरे सर पर रिश्ता, मजबूरन माना था मैं। मैं नहीं रुक सकती यहाँ, तुम्हारे घर तो बहुत पॉलिटिक्स है। मैं गाड़ी में जा रही हूँ, हमसे दूर मत जाइएगा कभी। आप नहीं जानते इतना मैंने ये वक्त कैसे गुजारा है। खूबसूरत से हाथों के लिए खूबसूरत सा हीरा। बहुत खूबसूरत है बरकान, किधर लेके जा रहे हो इसको? अभी तो एक दिन का है मेरा बच्चा। मैं तुझसे कह चुका हूँ तू इसे नहीं पालेगी। मैंने सोच लिया ऐसे कौन पालेगा, ये शहर में रहेगा। लेकिन अभी तक तो मैंने इसका नाम भी नहीं रखा है। मैंने रख दिया इसका नाम फारिस। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? तुमने बिना वजह मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। बेब्स घर वालों से मिलना था और बस। मैं तुम्हारे घर वालों से मिलकर क्या करूंगी? कितना शोर था वहां, कितना क्राउड था। मैं इन सब चीजों की आदी नहीं हूं। आई नो, हम कौन सा वहां रहने वाले हैं, हम तो अलग हो जाएंगे, राइट? डिसाइडेड है? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। नो। क्यों? क्योंकि शादी के बाद तुम अपनी फैमिली को नहीं छोड़ोगे। जाहिर है बहाने बहाने से उनसे मिलने भी जाओगे, और फिर ऑफ कोर्स तुम मुझे भी मजबूर करोगे जाने के लिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ट्रस्ट मी। और लिसन, वो तुम्हारी ओल्ड लेडी, इस तरह वो मुझे देख रही थी, कितना वियर्ड लग रहा था यार। I know. उस घर में ना उन्हीं की चलती है, सब लोग बहुत इज्जत करते हैं उनकी। I don't know why. लेकिन वो तुम्हारी कजन, by the way, प्रिटी है वो। क्यों छोड़ दिया तुमने उसको? मेरी टाइप की नहीं है वो, I told you. ओह हाँ, और तुमने उसके कपड़े देखे थे? है ना? बिल्कुल वो पुरानी आंटियों की तरह, इतने बड़े बड़े दुपट्टे, ये सब कौन पहनता है पार्टीज में? और मजे की बात तो ये है कि वो पहले ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी। I'm sure ये हन्नान ने उसको फोर्सफुली पहनवाए। Anyway. कोई अपने आप को इतना कैसे बदल सकता है, वो भी किसी के लिए? आप बेफिक्र रहिए, आपको बदलने की जरूरत थोड़ी ना। ओ हेलो, मुझे बदलने के बारे में तुम सोचना भी मत। मैं अपने आप को किसी के लिए नहीं बदलू, किसी के लिए भी नहीं। बदलने की जरूरत भी नहीं है भाई, बदले तो वो ना जिसमें कोई कमी हो। आप में तो कोई कमी
है ही नहीं। और आपकी ड्रेसिंग सेंस, जवाब कमाल। You wanna eat something? Please. I'm so hungry. Please, please, थोड़ा सा कुछ खाते। Please, please, please. No. Okay. सिद्दीकी साहब, देखिए परेशानी की बात तो है ना, कंसाइनमेंट डिले हो गई तो क्या हो सकता है, आप मुझे ईमेल कर दीजिए, बहरहाल हम देख लेते हैं क्या करेंगे। जी शुक्रिया। अम्मा बैठिए। क्या इसी लड़की की खातिर हमजा ने अबीर को छोड़ा था? हुलिया देखा था आपने उसका, ना बुजुर्गों का एहतराम, ना शर्म, ना हया, पर हमजा जो है उठा कर ले आए उसको, और ये भी नहीं बताया कि अपना हुलिया ही दुरुस्त कर ले। हम ऐसी लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अम्मा ऐसी बात नहीं है, हमने पूछा था उससे, वो ये कह रहा था कि ये लड़की उसे अबीर के बाद मिली है। बहरहाल आप परेशान मत हो, हम बात कर लेंगे उससे इस मामले में। हाँ आप बात करेंगे और वो आपकी बात मान लेंगे। क्यों नहीं मानेंगे वो, अब नहीं चलेगी उनकी इस घर में, बहुत मनमानी कर ली उन्होंने। और एक बात और जी, हमजा को बता दीजिएगा कि अगर उस लड़की को इस घर में लाना है तो बहुत तब्दील करना होगा उसे। ठीक। डैडी आप अब तक जाग रहे हैं? अमला बेटा कहाँ थी तुम? हाँ तुम्हारा मोबाइल भी ऑफ था, क्यों? मोबाइल इन द कार, इन द कार। मोबाइल गाड़ी में? मैं हमजा के घर गई थी। अच्छा Boy. वो एक्चुअली मैं इन्हें अपनी फैमिली से मिलवाने लेकर गया था। तो फिर क्या रिएक्शन था आपके घर वालों का? दे वर सो हैप्पी सर, स्पेशली जब मैंने उनको ये बताया कि मैं और अमल शादी कर रहे हैं, सो उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। तो फिर कब आ रहे हैं आपके घर वाले? सून सर, वेरी सून। लिसन बॉय। यस सर। अब मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा। पूछो क्यों? सॉरी क्यों? क्यों सर? इसलिए कि मेरे एक दोस्त के बॉय का प्रपोजल आया है मेरी बेटी के लिए। अगर आपके पेरेंट्स फ्यू डेज में ना आए तो मैं अपनी बेटी की शादी उस बॉय के साथ कर लूंगा। डैडी मैं आपके किसी दोस्त के बेटे से शादी नहीं करूंगी। अब मुझे क्यों टेंशन देते हैं? स्वीटहार्ट, देन आस्क हिम। अपने पेरेंट्स की जल्दी भेजे, आप ही बात है। डैडी मेरा नहीं है। Hey, listen, listen. Come on. अपने डैड से बोल देना थोड़ा सब्र कर ले, मैं करूंगा ना अपने घर वालों से, ट्रस्ट मी वो मान जाएंगे। ट्रस्ट मी। मैं इतनी आसानी से नहीं मानी। तुम बात करना, तुम कुछ करो। Let me handle this. Promise. Sleep well. I'll miss you. Good night. Good night. Bye.
कहाँ चले गए थे तुम हमें बगैर बताए? बस मजबूरी थी, जाना पड़ा इसलिए। कौन सी मजबूरी थी बताओ हमें? क्या? अबीर से शादी नहीं करना चाहता था मैं, इसलिए चला गया। और ये तुम्हें ऐन शादी वाले दिन याद आया? चले जाओ यहाँ से, जाओ। क्या हो गया आपको? इतने लोग बैठे हुए उनके सामने, इतने अरसे के बाद तो हमारा बच्चा घर आया है और आप? और ये सिर्फ आपका घर नहीं है, मेरा भी घर है। अच्छा, इसीलिए तुम इस घर को छोड़कर, इसकी इज्जत को पैरों तले रौंद कर, किसी से कुछ कहे सुने बगैर घर ही छोड़कर चले गए थे। सॉरी, मैंने शायद गलत बात की थी आपसे। शायद मतलब आपको अब भी शक है कि आपने कोई फजूल बात नहीं की? सॉरी, मतलब आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं हमजा की वजह से अपसेट हूं? मैं सॉरी कर तो रहा हूं आपसे, भूल जाए ना इस बात को। मैं हमजा को भूल चुकी हूं। आप मुझे बताएं, आप सारा को भूल चुके हैं? नहीं ना, आप सारा को नहीं भूले, इसलिए बेहतर होगा कि हम इस मौजू पर बात ना करें। देखे उनमें गम ही गम, गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आ जा मेरी अखियों में, कित हो ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे अम्मी, अब्बू, अब्बू कहाँ हैं सब लोग यार? नवाज कहाँ हैं सब? अब्बू गए, दादू किधर हैं? सर गए हैं आप? फ्री हो जाए तो बताइएगा, बात करनी है मुझे आपसे। कोई तमीज तहजीब है आपके अंदर?
आप देख नहीं रहे कि हम कुरान पढ़ रहे हैं और घर में इस तरह दाखिल हुआ जाता है? कहिए क्या बात है, क्यों शोर मचाया हुआ आपने? शादी करूं मैं अमल से। या आप इत्तला दे रहे हैं या इजाजत ले रहे हैं? इजाजत क्यों मांगने लगा मैं आपसे? क्योंकि बड़ों की इजाजत से जो काम किए जाते हैं वो बखैरों को भी अंजाम पाते हैं। खैर, बताने में आपको ये आया था कि अगर तो आप चलेंगी तो अच्छी बात है, ना मियां रब्बू के साथ चला जाऊंगा मैं। हम मैं ऐसी लड़की से शादी की इजाजत बिल्कुल नहीं। इजाजत कौन मांग रहा है आपसे, किस गलत फहमी में आप? I knew it. कि जिस दिन मैं इस घर में अपनी शादी की बात करूंगा अगर कोई टेंशन देगा तो वो आप होंगे। एंड आई वाज हमजा, कोई तमीज है आप में? आप जानते हैं आप बात किन से कर रहे हैं? माफी मांगी अम्मा से। माफी क्यों मांगू मैं? लिसन, शादी मेरा पर्सनल मैटर है, किसी को हक नहीं पहुंचता उसमें बात करने का। अगर आपका पर्सनल मैटर है तो जाइए, जाकर कर लीजिए शादी, लेकिन ये सुन लीजिए, यहां से इस घर से कोई शरीक नहीं होगा, समझे आप? आउट। आई सेड आउट। खुश? I'm sorry, वो चाबी गिर गई थी मुझसे। आपने सोचा मैं उठती हूँ तो ये चैन से क्यों सो रही है? आपको मैं ऐसा लगता हूँ कि मुझे आपका इत्मीनान से सोना बुरा लगेगा? ऐसा हो भी सकता है, वैसे भी उल्टी सीधी बातें करके आपने मेरा चैन और सुकून छीन तो लिया। ऐसा जानबूझकर नहीं करता। ठीक कह रहे हैं, आपसे तो सब कुछ बेध्यानी में ही हो जाता है। अच्छा, मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसा नहीं होगा। ऐसा वादा मत करें जिसे आप पूरा ना कर सकें। अच्छा सुने जी, तो आप पूछेंगे नहीं मैं इतनी सुबह कहाँ जा रहा हूँ? इसमें पूछने का क्या है, जा रहे होंगे किसी ना किसी से मिलने। अरे नहीं भाई, इंटरव्यू है मेरा। इंटरव्यू? आपका तो अभी रिजल्ट भी नहीं आया। हाँ, वो बैचलर्स की डिग्री से काम चला रहा हूँ अभी, फिर जब मास्टर्स का रिजल्ट आएगा तो वो भी सबमिट करवा दूंगा। मैंने सुना है कि आप यूनिवर्सिटी में हमेशा टॉप करते हैं। Yes, ma'am. अच्छा मैं चलता हूँ, देर हो रही है मुझे, खुदा हाफिज। हनान जी, गुड लक। क्यों होता है यूं सबसे जुदा अपना जुनून अपने
दूंगी अपनी धुन में सारे को। थैंक यू। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आ जा मेरी अखियों जा मेरी।